आज 6 अप्रैल गुरुवार को देश भर में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है, एक चैत की पूर्णिमा तिथि को और दूसरा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास होता है, जिसे वो पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। कुछ लोग इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं और कुछ लोग इसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं, लेकिन सभी लोगों के मन में ये शंका है कि इसे हनुमान जयंती कहना उचित होगा या फिर हनुमान जन्मोत्सव कहना उचित होगा, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। दरअसल जयंती और जन्मोत्सव का अर्थ भले ही जन्मदिन से होता है, लेकिन जयंती का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो इस संसार में अब जीवित नहीं है और किसी विशेष तिथि में उसका जन्मदिन है। लेकिन जब बात हो भगवान हनुमान की, तो इन्हें कलयुग संसार का जीवित या जागृत देवता माना गया है। हनुमान 8 चिरंजीवी में से एक है, उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान राम से अमर होने का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर निवास बनाया और इसी स्थान में कलयुग में धर्म के रक्षक के रूप में हनुमान जी निवास करते हैं। इसके जन्मदिन की तिथि को जयंती के बजाय जन्मोत्सव कहना उचित होगा। ये गंधमादन पर्वत जो है वो उड़ीसा में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी की मां सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे, तब मां सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ ही श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। लोक मान्यताओं अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी पाए गए हैं।